ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। इसीलिए बाबा कहते बच्चे शब्दार्थ ज्ञान यथार्थ, इसीलिए कृष्ण को भी कृष्ण तुमने कहा था जब जब धर्म की लानी होगी तब मैं आऊंगा, लेकिन नहीं आना, क्योंकि आप किसी भी गोपी के पास मटका नहीं है, हरे के घर में पानी आता है। अगर सभी अगर तुम किसी की मटकी तोड़ेगा, किसी को छेड़ेगा, सभी गोपी के पास व्हाट्सएप है, तुमको पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। और आजकल गोपी का कोई नहाने के लिए तालाब में नहीं जाते, हर एक के पास बाथरूम है। तो वास्तव में कृष्ण को कितना ये लगाया, कहते कृष्ण जब नहाने के लिए गोपी का जाती थी वो मुरली बजाता था और सभी के वस्त्र चुराता था। बताओ एक प्रिंस इतना बड़ा ये जिसको भगवान भी कहते हैं कई लोग, और आज ऐसा काम करेगा, बच्चे कहेंगे अरे कृष्ण ने भी किया, हमने किया, गलत तो नहीं हुआ। तो वास्तव में ये भी क्या है, एक तालाब है, यहां हम ज्ञान स्नान करने के लिए आए। जैसे आजकल बिहार में क्या करते, वो कोई पर होता है उनका छठ पूजा, छठ पूजा में कहते हैं वो सवेरे से तालाब में जाते हैं नंगे पांव, दिन निकलने से पहले जाते हैं और जा करके वहां स्नान करते हैं। वास्तव में संगम का घर है। तो हम सवेरे सवेरे अशरीरी बन करके यहाँ आते हैं और आकर के ज्ञान स्नान करते हैं दिन निकलने से, सत्युग आने से पहले। ये है वो स्नान, ये सब यादगार बन जाते हैं, त्योहार बन जाते हैं। इसलिए जब हम यहाँ स्नान करते हैं तो परमात्मा क्या करता है, मुरली जो मुरली है, मुरली किसे बनती है, वो भी बांस की मुरली है। और ये कागज भी किसे बनाए, बांस का बना हुआ है। तो ये ज्ञान की मुरली बजा करके ये देह भान को वस्त्र को चुराता है। वो वस्त्र की बात नहीं, अगर वस्त्र चुराएगा तो लोग क्या कहेंगे,